नमस्कार, श्री अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम साबूदाना। मैं यहाँ पर मोटे दाने का साबूदाना यूज़ कर रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। आप भी मोटे दाने का ही साबूदाना यूज़ करें, इससे खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो करके 1 घंटे के लिए इस कटोरी के नाप से आधी कटोरी पानी डाल करके 150 ग्राम साबूदाने में डाल करके छोड़ दिया था। फूल करके अब ये इस तरह से डबल हो गया है। ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी डालने से साबूदाना ज़्यादा भीग जाएगा और खिचड़ी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए हमारे साबूदाने एक एक हैं और अच्छी तरह से भीग गए हैं, ये देखिए। साबूदाना बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1/2 कटोरी साबुत मूंगफली, 1 बड़े साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च को लंबे पीसेस में कट कर लिया है और 1 मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 15 से 20 करी पत्ते, 2 आलू जिसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया, नमक यूज़ करेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच हल्दी यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ली है जिसे मैंने भून करके दरदरा पीस लिया है, इसे हम खिचड़ी बनाने में यूज़ करेंगे। मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर एक पैन रख रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 चम्मच तेल यूज़ कर रही हूँ, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, अदरक और मिर्च ऐड कर दिया है, थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हल्का सा भून लेंगे, हल्का ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे। प्याज हल्का भुन गई है, अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को उबाल करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बिना उबाला हुआ ही आलू यूज़ कर रही हूँ। बिना उबाले हुए आलू को डायरेक्ट फ्राई करके अगर हम साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो उबाल करके भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये मूंगफली भी ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर प्याज यूज़ किया है खिचड़ी बनाने के लिए। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है या फिर आप प्याज यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। हल्दी, कड़ी पत्ता, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आलू अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसमें ये साबूदाना ऐड करेंगे। अच्छी तरह से साबूदाने को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ये हल्का दरदरा पिसी हुई मूंगफली ऐड कर रही हूँ, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब भी आप साबूदाने की खिचड़ी बनाएं
तो मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा पीस करके ज़रूर मिलाएं, उससे साबूदाने का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए टमाटर का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल करके इसकी गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू डाल करके थोड़ा सा चटपटा भी इसे बना सकते हैं। अगर साबूदाने को भिगोने के समय पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो साबूदाने के भीगने के बाद आप उसे छान करके थोड़ी देर के लिए किसी कॉटन के कपड़े में डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, उसका पानी निकल जाए, उसके बाद ही खिचड़ी बनाएं। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनकर के तैयार हुई है। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।